नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे कैबिनेट के फैसले से। कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। कैबिनेट से पारित किया गया है कि अब राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सहयोग देने के लिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों के सम्मन पर पेश होने से पूर्व अपने विभागीय प्रधान को इसकी सूचना देगा। उनका विभागीय प्रधान मंत्रिमंडल निगरानी को इसकी सूचना देगा। मंत्रिमंडल निगरानी विधिक परामर्श लेगी और विधिक परामर्श लेने के बाद, कानूनी रूप से ठोस हो जाने के बाद, केंद्रीय जांच एजेंसियों को सहयोग प्रदान किया जाएगा ताकि जांच अपूर्ण और अधूरी न रह जाए। सवाल बड़ा है, झारखंड अपने आप में एक अनोखा राज्य बनता जा रहा है। ईडी की असीमित शक्तियों को लेकर कई बार कयास लगाए गए, कई बार इसको लेकर चर्चाएं हुई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन शक्तियां यथांतरित रही, उसी तरीके से बनी रही। झारखंड सरकार ने आज जो कैबिनेट से पारित किया है, ईडी की कार्रवाइयों पर यह कितना अंकुश लगा सकेगा, ईडी के संबंध पर अब क्या अधिकार होंगे झारखंड सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर, या झारखंड सरकार से जुड़े लोगों पर, क्योंकि संबंध का सिलसिला तो चल रहा है और संबंध पर संयम भी चल रहा है। अभी अगर हम बात करें तो साहेबगंज के डीसी को समन किया गया है। कल 11 तारीख को साहेबगंज के डीसी को समन किया गया, उनसे पूछताछ होनी है और आज कैबिनेट ने यह स्वीकृति दे दी है, यह पारित किया है प्रस्ताव। आज पूर्व विधायक पप्पू यादव से पूछताछ की गई है, ईडी ने समन किया था, आज उनसे पूछताछ की गई है। 15 तारीख को आर्किटेक्ट विनोद सिंह से पूछताछ की जाएगी और 16 तारीख को अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से पूछताछ की जाएगी, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं। सम्मन तीन महत्वपूर्ण सम्मन है और आज यह प्रस्ताव पारित हो गया है कैबिनेट से। कल भी इस पर सियासत हो सकती है, कल भी चिट्ठी जारी हो सकती है, कल भी चिट्ठी भेजी जा सकती है। अब सम्मन पर संयम शायद बढ़ता चला जाए, क्योंकि पूर्व में भी साहेबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी के सम्मन पर पेश नहीं हुए हैं। उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह ईडी के सम्मन पर पेश नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वयं साथ साथ सम्मन किया जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री भी पेश नहीं हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। पहले देखिए यह रिपोर्ट। ईडी, सीबीआई या आईटी के सामने अब सीधे पेश नहीं होंगे राज्य के अधिकारी। राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों के सामने पेश होने के लिए एसओपी जारी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के समन या नोटिस को लेकर एसओपी पर कैबिनेट की मुहर। समन या नोटिस की जानकारी सबसे पहले विभाग के प्रधान या विभागाध्यक्ष को देनी होगी। विभाग के प्रधान या विभागाध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को देंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग कानूनी सलाह लेगा। कानूनी सलाह के मुताबिक अधिकारी राज्य के बाहर की जांच एजेंसी को सहयोग करेंगे। किसी भी पदाधिकारी को नोटिस या समन प्राप्त होता है तो वो अपने विभागीय हेड के माध्यम से तुरंत वे मंत्रिमंडल समन्वय को, निगरानी विभाग को वे सूचित करेंगे और विभाग द्वारा इसमें जो भी लीगल एडवाइस लेना है वो लेते हुए आवश्यक इसमें निर्देश उनको दिया जाएगा। राज्य के अधिकारी अब राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों के समन या नोटिस पर सीधे पेश नहीं हो सकेंगे। समन या नोटिस पर सरकार कानूनी सलाह देगी, जिसके बाद ही अब अधिकारी ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने पेश होंगे। सत्ताधारी दलों ने इसका स्वागत किया है। वही कैबिनेट के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। राज्य में लगातार ईडी, आईटी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है। ईडी ने साहेबगंज डीसी समेत कई लोगों को समन भी जारी किया है, लेकिन अब समन पर पेश होने के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो पेशी से पहले परामर्श लेना होगा। परामर्श के लिए बाकायदा एक पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। विधि विशेषज्ञों की राय ली जाएगी, विधिक राय ली जाएगी, उसके बाद, उस परामर्श के आने के बाद पेशी होगी अधिकारियों की, कर्मियों की। कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रस्ताव पारित हुआ है, ईडी के असीमित शक्तियों को चैलेंज देता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा, सुनना दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर संजय सिंह साहब। संजय सिंह साहब, स्वागत है आपका।
चर्चा की शुरुआत करेंगे संजय सिंह साहब से, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रस्तुत शादे बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन दरअसल आज राजधानी में जाम का नजारा भी कुछ बहुत ही मुश्किल से भरा है। राजधानी की सारी सड़कें जाम है, विशेष तौर पर हरमू रोड जाम है और प्रस्तुत शादे इस वक्त जाम में फंसे हुए हैं। चलिए तब तक शुरुआत करते हैं डॉक्टर संजय सिंह से। संजय सिंह साहब, ये आवश्यकता क्यों आन पड़ी कि पूछताछ से पहले विधि विशेषज्ञ विधिक राय लेनी पड़ेगी और एक पूरा प्रोसीजर बना दिया गया, विभागीय प्रधान तक जाएगा, विभागीय प्रधान से मंत्रिमंडल निगरानी तक जाएगा, मंत्रिमंडल निगरानी के बाद विधिक परामर्श दिया जाएगा, सीधे सीधे हो जाता कि सरकार से अनुमति लेने के बाद जाएंगे? सरकारी सेवक जिन्हें लोक सेवक कहते हैं, नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्त होने तक सरकार के आधिकारिक रूप में अपने प्रशासनिक विभाग के नियंत्रण में रहते हैं। प्रशासनिक विभाग के नियंत्रण में होने का प्रायः ये होता है कि सामान्यतः भी जब उनको किसी कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ता है एज विटनेस, तब भी उनको सक्षम स्तर से अनुमति लेकर जाना पड़ता है जी। तो अगर उस संदर्भ में देखें तो ये जो निर्णय है कैबिनेट का, ये बिल्कुल हमारे लोक सेवक के रूप में जो हमारा जो भूमिका है कि हम सरकार के अधिकारी हैं, तो स्वतंत्र इकाई के रूप में न होकर सरकार के अंग के रूप में हम कहीं भी जाएं और उसके लिए अनुमति लें, और वो अनुमति एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही होती है जी। बिल्कुल, वो प्रक्रिया शुरू होता है, मान लीजिए आप अगर जिला में पदस्थापित हैं और जिला के किसी पदाधिकारी को किसी कोर्ट से समन आएगा, तो वो क्या करेगा, वो जिला में वो जो जिला के उसके नियंत्रित पदाधिकारी हैं उनको वो सूचित करेगा जी। वो फिर अगर वो सक्षम है अनुमति देने के लिए जी, तो वो अनुमति देने के पूर्व इस कैबिनेट के निर्णय के आलोक में ये संसूचित करेंगे कैबिनेट समन्वय और निगरानी विभाग को, जो विधिक परामर्श लेगा सरकार के विधि विभाग से, जिसमें महा अधिवक्ता का भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होने जा रहा है। अब आप पूछिए क्यों होगा, इसलिए कि भारत का संविधान कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सब कुछ होना चाहिए। यहाँ सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो समन जारी किया जा रहा है उसको चैलेंज करने का प्रश्न नहीं उठ रहा है जी। अगर इस तरह की व्याख्या हो रही है कहीं पर, तो शायद यह एक गलती हो रहा है बुनियादी तौर पे, जिसको हम लोग को समझना होगा। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दूं। अनुमति की बात को लेकर पूर्व से भी कई पदाधिकारी जो है आवेदन चिट्ठियां लिख रहे हैं, अगर उसके बावजूद आज कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम फ्रेम तो जोड़ा जाना चाहिए था कि संबंध की तिथि के पूर्व यह सारी प्रक्रिया पूर्व कर ली जाएगी, पूर्ण कर ली जाएगी। मुझे लगता है कि जो समन जब जारी कोई भी केंद्रीय एजेंसी करता है जी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो जी, तो समन जब जारी करता है तो एक तिथि निर्धारित करता है कि इस तिथि को जो विटनेस है जी, या एक्यूज है, उनको कार्यालय में, उनके कार्यालय में उपस्थित होना है जी। अब अगर वो स्वतंत्र नागरिक हैं जी, बिल्कुल स्वतंत्र नागरिक, जिनको हम लोग कह सकते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जी, तो भी वो लीगल एड लेते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये राइट मिला हुआ है कि वो लीगल एड लें, और लीगल एड लेके, लीगल एडवाइस लेके वो अप्रोच करें और जाकर फिर अपने। लेकिन संजय सिंह साहब, ईडी का जो सम्मन होता है हाँ, वो आरोपी और गवाह दोनों को एक ही सम्मन होता है, सम्मन में किसी भी तरीके का ब्रीफ नहीं होता, तो फिर क्या परामर्श लेंगे विधि विशेषज्ञ से? बहुत सिंपल सी बात है जी, ईडी सेक्शन 50 ऑफ द प्रिवेंशन। एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका। संजय जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी जी, हम ये कह रहे थे कि सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब समन, अभी ईडी के संदर्भ में बात हो रही है, समन जारी होता है जी, तो वो समन एक समन है जिसको हम लोग क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी के अंतर्गत निर्गत के वह समन के रूप में उसका वैधानिक महत्व को समझते हैं और समझना भी चाहिए जी। प्रोडक्शन
और नॉन प्रोडक्शन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई अपीयर नहीं करता है तो डेफिनेटली वो एक लीगल इम्प्लिकेशन भी इन्वाइट करता है जी, बिल्कुल। लेकिन एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एज ए लोक सेवक, हमारा नियंत्री विभाग मेरा प्रशासनिक विभाग है जी। मैं कोई स्वतंत्र इकाई नहीं हूं जी। मेरे ऊपर नियंत्रण हमेशा रहा है जी। उस विभाग का जहां नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्त होने तक हर विषय पर, चाहे वो अवकाश लेने का हो, किसी न्यायालय में गवाह के रूप में जी उपस्थित होने का हो जी, या समन पर अपने को प्रेजेंट करने का हो, हमको परमिशन लेना है। बिल्कुल सही बात है। कंप्लीट कर दें, आपकी बात निगरानी को क्यों इन्वॉल्व किया गया? नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। सबसे पहले चलते अपने सहयोगी विपिन के पास। विपिन, आज कैबिनेट को विपिन ने कवर किया है। विपिन, आज झारखंड कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित होता है केंद्रीय जांच एजेंसियों को किसी भी तरह की सहायता करने के लिए किसी भी सम्मन या नोटिस पर पेशी से पूर्व परामर्श जरूरी हो गया। विपिन ये देखिए, जो आज कैबिनेट का ये जो प्रस्ताव था, जिसके तहत जो राज्य की सरकार ने ये महसूस किया कि लगातार जिस तरीके से राज्य के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनको केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा विभिन्न मामलों में जो समन या नोटिस किया जा रहा है, तो ऐसे में उनसे वो जिस विभाग से संबंधित है उसके पेपर्स भी, उसके दस्तावेज भी मांगे जाते हैं जांच के नाम पर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के काम पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसको देखते हुए राज्य की सरकार ने आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए, जिस तरीके से लगातार फिलहाल तो इस जद में हम ईडी को इसलिए सामने ला रहे हैं क्योंकि ईडी की तरफ से लगातार कई मामलों की जाँच झारखंड में चल रही है और उसी जाँच के दरमियान कई लोगों को ईडी ने समन भी जारी कर रखा है। खुद मुख्यमंत्री को जमीन के मामले में 7 समन इससे पूर्व ईडी ने किए थे। तो ऐसे में कैबिनेट का जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी केंद्रीय जांच, किसी भी जांच एजेंसी जिसका कि वास्ता राज्य की सरकार से नहीं है, वो अगर झारखंड के किसी अधिकारी कर्मचारी को कोई समन या नोटिस जारी करेगा तो ऐसे में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी अपने अधीनस्थ जो उनसे वरीय अधिकारी होंगे या फिर अगर किसी विभाग का ये मसला होगा तो वैसे में उस विभाग के जो प्रमुख होंगे, विभाग के जो सचिव या प्रधान सचिव होंगे, उसको इस नोटिस समन की जानकारी देगा। उसके बाद विभाग के जो प्रमुख हैं वो, क्योंकि इस पूरे मामले में जो एसओपी गठित की गई है उसके लिए जो मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग है वो नोडल एजेंसी बनाई गई है, तो इसकी जानकारी उस नोडल एजेंसी को देनी है और नोडल एजेंसी इस पूरे नोटिस और समन के मामले में राज्य की जो विधि विभाग है उससे विधि परामर्श लेगा। उसके उपरांत जो व्यक्ति जिसको नोटिस या समन प्राप्त हुआ है उस जाँच एजेंसी से, उसके समक्ष प्रस्तुत होने को लेकर सरकार के द्वारा जो एसओपी तय किए गए हैं उसके आधार पर को जाना होगा। साफ तौर पर 2 पन्नों का जो प्रस्ताव आज कैबिनेट ने पारित किया है उसमें यह कहा गया है कि जांच में सहयोग के लिए पूरी तैयारी और मुस्तैदी के साथ अधिकारी या कर्मचारी जाएं, इस बाबत सरकार ने यह निर्णय लिया है। और क्योंकि लगातार उस प्रस्ताव में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार झारखंड में कई विषयों को लेकर छापेमारी करती है जिसकी जानकारी राज्य की सरकार को नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के दिशा निर्देश की आवश्यकता सरकार को महसूस हो रही थी और इसी आलोक में इस दिशा निर्देश को आज झारखंड की कैबिनेट ने पारित कर दिया है। ये एक बड़ी खबर आज के पूरे दिन भर की है क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी, खासकर हाल के दिनों में बीते 1 साल में ईडी के तरफ से जो जांच प्रकरण विभिन्न मामलों में झारखंड में चल रहे हैं उसके वजह से जहां राजनीतिक उठापटक की भी नौबत यहां पर आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों को एक तरीके से मोरली हाई करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तत्काल समन उनको आते ही वो खुद को अकेला ना समझे, ऐसी स्थिति में सरकार के मार्गदर्शिका के अनुरूप उनको उस जांच एजेंसी के समक्ष उस नोटिस या समन का तामिला करने के लिए प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत होना होगा। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि तत्काल प्रभाव से वो समन उस संबंधित व्यक्ति पर किसी तरह का पीड़क कार्रवाई के लिए बाध्य ना हो, बाधक ना बन सके, इस पर फोकस किया गया है। जांच एजेंसियां सीधे तौर पर किसी पर कोई बड़ी कार्रवाई ना कर सके, इसको देखते भी यह निर्णय लिया गया है। तो ऐसे में
सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि कैबिनेट ने आज जो निर्णय लिया है, इसके बाद जो पहला नोटिस फिलहाल जिस राज्य के बड़े अधिकारी के तौर पर साहेबगंज के जो डीसी है रामनिवास यादव उनको जो प्राप्त हुआ है, तो ऐसे में अब उनको क्या करना होगा? तो संभवतः ऐसे में जो प्राप्त जानकारी है कि कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद ये एसओपी राज्य में अब इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो अब इसी के आधार पर आगे राज्य के अधिकारी और कर्मचारी जांच एजेंसियों के समन या नोटिस पर अगला कदम उठाएंगे। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को सहयोग से पहले, पेशी से पहले अधिकारियों कर्मियों को परामर्श लेना होगा। जहां तक मुझे जानकारी है 1 मई 1956 को ईडी की शुरुआत की गई थी, सिर्फ 2 ब्रांच थे मुंबई और कोलकाता में, और ईडी के पास यह अधिकार है कि बिना पूछताछ के भी संपत्ति जब्त कर सकती है। ऐसे में संबंध पर अगर संयम रखा जाने लगा, हर अधिकारी कर्मी अगर विधिक परामर्श को लेकर संयम रखने लगेगा, तो इस मामले पर ये मामला कितना पेचीदा होता जाएगा, भाजपा कैसे देखती है इसको? देखिए, जहांपना के लिए मुझे सिर्फ एक पंक्ति आज याद आ रही है, वो ये है कि जहांपना हद कर दिया आपने, मतलब पूरे मामले को आपको सीधे प्रस्ताव पारित करके कहना था कि हमारे राज्य का कोई अधिकारी नहीं जाएगा। अब आप इसको इतना पेचीदा बनाकर दिखा रहे हैं कि भाई जो डिपार्टमेंट का हेड है उसका परमिशन चाहिए, उसके बाद विजिलेंस का उसका ओपिनियन चाहिए, फिर लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन चाहिए, फिर सरकार इसमें अनुमति देगी, तो कहीं ना कहीं ये पूरा देखिए समन का पर्पस क्या होता अभिषेक जी, किसी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में जानकारी प्राप्त करना, और राज्य सरकार वही कर रही है कि जो सेंट्रल एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन है उसमें खलल डाल रही है। ये अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश है, मुझे लगता है मुझे पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है उसमें खलल डालने की कोशिश है। मैं आपको बताऊं कि संविधान का आर्टिकल 51A साफ कहता है कि ये भारत के हर एक नागरिक का दायित्व है कि वो संविधान और संविधान की मूल भावना और संविधान के तहत बने गए सभी इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करेगा, और इसी संविधान के तहत पार्लियामेंट ने ईडी का गठन किया। अब हम लौटते हैं कि सेक्शन 41A को क्यों इंसर्ट किया था हाईकोर्ट ने, वो इसलिए किया था कि किसी जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अमरेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में अपहोल्ड किया कि 41A बिल्कुल होना चाहिए, पुलिस नोटिस देती है और उस नोटिस से आपका पक्ष मानती है, वो इसलिए किया गया था कि लोगों के हित की रक्षा हो सके और इन्वेस्टिगेशन सुचारू रूप से चल सके। और जहां तक ईडी के पावर्स की बात है जिसको लेकर व्यापक चर्चा आज हो रही है, तो 2022 के 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सीज करने के, समन करने के, अरेस्ट करने के पावर को अपहोल्ड करते हुए कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म की तरह हीनियस अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था, मुख्यमंत्री जी एक दलील देते हैं ना, मुझे बुलाए मेरा गुनाह क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ है कि FIR की तरह ECIR नहीं होता, इन्फोर्समेंट का जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है उसमें जवाबदेही नहीं है ईडी किया कि आपको हर एक चीज की सूचना दे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो 27 जुलाई 2022 का निर्णय है जिसमें वो साफ कह रही है कि ईडी किसी को भी डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है और संपत्ति को सीज कर सकती है, आंकड़े तो आपके पास भी अभिषेक जी, इनके 10 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ 5,000 करोड़ का सीजर हुआ था, हमारे 9.5 वर्ष में 1,25,000 करोड़ का सीजर हो गया, इसलिए क्योंकि अभियान लगातार चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी के पहले प्रयास भी उन्होंने किया था कि सेंट्रल एजेंसीज के पावर को विड्रॉ कर लिया था कि इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हमारे यहाँ, तो ये प्रयास करते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि हुजूर बहुत देर कर दी आपने आते आते, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और हम मानते हैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार को रथ को रोकने का प्रयास है। पर साहब ऐसे ऐसे प्रयासों से ये रथ नहीं रुकने वाला, रथ तो एक बार चल चुका है माननीय, अब ये नहीं रुकने वाला और कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी दें, मुझे नहीं लगता ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 27 जुलाई 2022 का मैंने आपको निर्णय बता दिया, और 41A का सिर्फ मकसद ये होता है जो पुलिस को दिया गया है कि साहब आप पक्ष रखिए और इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट कीजिए। यहां तो ये अपने अफसरों को चोर दरवाजे से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका एक पसंदीदा अफसर है ना वो जो तमंचे पे डिस्को करने वाला साहेबगंज में, जिसके यहां खबरें आई थी, ईडी ने अपने रिपोर्ट में लिखा था प्रेस रिलीज में कि जो 9 mm 0.38 बोर 0.45 बोर की 2 दर्जन के आसपास गोलियां लिखी थी उनको बचाने की, 19 गोलियां निकली थी मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मुझे वो FIR वो जो इनका रिपोर्ट था वो याद है, 19 गोलियां थी इनके पास प्रोहिबिटेड बोर 0.38 की, जो स्टैंडर्ड पुलिस इशू होता है साहब 9 mm की, सब माफ कीजिएगा 9 mm की गोलियां, 19 गोलियां थी, 0.45 की गोलियां थी, 0.38 की गोलियां थी। तो
जितने इनके करीब के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं आज एक्सपोज है भ्रष्टाचार के मामले में, इनको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखिए, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को कि जो डिपार्टमेंट होता है उससे अनुमति और सबके लिए नियम कानून होते, साहब बेसिक प्रिंसिपल आप भूल रहे हैं जो हमुराबी कोड ऑफ लॉ से आता है। हमुराबी आज नहीं, आज से 2-3 हजार वर्ष पूर्व शासन किया करता था, उस समय का जो सिद्धांत था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपहोल्ड किया। कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही स्पिरिट है कि कानून की नजरों में सब बराबर है। चलिए, कानून की नजरों में सब बराबर, एक बार रुक करते हैं संजय सिंह साहब का, आंकड़ों की बात कर रहे थे प्रतुल जी। संजय सिंह साहब, आपको बता दूं कि विगत 3 वर्षों में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के 3,110 मामले दर्ज किए हैं, जबकि फेमा के तहत 12,233 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,25,000 करोड़ की रिकवरी अभी तक हुई है। ये जो आज प्रस्ताव पारित हुआ है, आपको क्या लगता है कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जो शक्तियां प्रदत्त हैं गिरफ्तारी को लेकर, कहीं ना कहीं ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें अड़चन डालने वाला हो सकता है? बहुत हम्बली हम सबमिट करेंगे फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस जी, कि दो बार, एक बार एनआईए के स्पेशल जज के कोर्ट में जी, एक बार सीबीआई के स्पेशल जज के कोर्ट में हमको बतौर विटनेस अपीयर होने का मौका मिला जी। एनआईए का जो स्पेशल जज का कोर्ट था वो बेंगलोर में था, बेंगलोर में एक बॉम्बिंग हुआ था, मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ था जी। तो उस समय बोकारो का एसडीओ में था, फेक आईडीज बनाया गया था वन ऑफ द प्रिंसिपल अक्यूज्ड के द्वारा, तो मुझे डिपोज करने के लिए बुलाया गया एज ए विटनेस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन साइड। एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं फॉर्मली उस समय डीडीसी दुमका था, अपने डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेकर गया डिपोज करने के लिए। सीबीआई के स्पेशल जज के कोर्ट में डिपोज करने के लिए मैं गया जब मैं रांची में पोस्टेड था एज जिला भोजन पदाधिकारी, उस समय के डीसी से मैंने परमिशन लिया जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई नई विधान नहीं है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सकता है पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए, जो बहुत आसान है। सेंट्रल एजेंसीज अपना इन्वेस्टिगेशन करें, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन डाल भी नहीं सकता, बिकॉज जिसके पास जो मैंडेट है, लीगल जो अथॉरिटी है, जिस भी स्टैटिट्यूट से है, वो स्टैटिट्यूट उसको अथॉरिटी जो ये दिया है उसको कोई डिमिनिश नहीं कर सकता है। बट एज ए पब्लिक सर्वेंट वर्किंग अंडर द स्टेट 15A में, स्टेट भी वैसे ही इंस्टीट्यूशन है जैसे कि मेरे ब्रदर पीएलएमए को बोल, सॉरी ईडी को बोल रहे थे कि ईडी सेंट्रल एजेंसी जो स्टैटिट्यूट से क्रिएट किया गया है जी। तो मेरा यह सबमिशन है, द स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन, ईडी इज एन इंस्टीट्यूशन, आई डोंट सी अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू। आई सी कि दोनों ड्यू प्रोसेस से चले, ड्यू प्रोसेस इसलिए कि नेचुरल जस्टिस के बिना देश में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, ब्रेकडाउन का ऑर्डर टूट जाएगा जी। दैट्स इट, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट मशीनरी का, कानून का, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, अगर इस तरीके के कैबिनेट के गैर कानूनी आदेश को अमल में लाया गया। इन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी से पूछ कर गया, क्या कंट्रोलिंग अथॉरिटी विजिलेंस से परमिशन लेगी, विजिलेंस ओपिनियन देगी, फिर लॉ डिपार्टमेंट उस पर ओपिनियन देगी, लॉ डिपार्टमेंट में भी कई डिपार्टमेंट से साहब लॉ सेक्रेटरी ओपिनियन देंगे कि एजी ओपिनियन देगा, उसके बाद सरकार उस ओपिनियन को क्या मानेगी, साहब इन्वेस्टिगेशन को डिवेल करने की कोशिश है अभिषेक जी। और मैं 51A को फिर से कोट कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन का, कि फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन है कि उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा, जिसमें संविधान के तहत बने गए इंस्टीट्यूशंस को भी माना। सुप्रीम कोर्ट ने मोहन कुमार सिंघानिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कहा था कि भारत के एक एक नागरिक का दायित्व है कि वो 51A का पालन करे, उसके तहत दिए गए प्रोविजंस का। तो फिर ये कन्फ्रंटेशन क्यों, कन्फ्रंटेशन तो ये हो रहा है ना, मुख्यमंत्री कैसे कन्फ्रंट करते हैं, अपने घर के सामने रैली संबोधित करते हैं और कहते हैं अरे हिम्मत है तो ईडी उड़ी आके गिरफ्तार कर ले, फिर बार बार ईडी के साथ साथ संबंध को दरकिनार करते हैं। अगर उनकी ही पुलिस किसी इसी साथ संबंध पर संजय सिंह से सवाल पूछ लेते हैं। संजय जी, 7 बार संबंध हुए, कई बार महाधिवक्ता से भी परामर्श लिया गया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी गए, मुख्यमंत्री को 7 बार संयम हुए, संबंध हुए, मुख्यमंत्री ने संयम धरे रहा, मुख्यमंत्री ने संयम का साथ नहीं छोड़ा। क्या मानकर चले कि ये जो आज प्रस्ताव पारित हुआ, इस प्रस्ताव की आड़ में संयम का खेल संबंध पर अब शुरू हो जाएगा?
देखिए, मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ जी। मेरा फोकस है कैबिनेट के डिसीजन के सिर्फ एक ही पॉइंट पर कि कोई भी लोक सेवक, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं उसको जब भी कोई समन करे, नोटिस करे, कोर्ट में अपीयर होने के लिए इधर एज ए विटनेस और एन एक्यूज, उसको जाना पड़ता है अपने कंपिटेंट अथॉरिटी के पास। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे ब्रदर पतुल जी सहमत होंगे, किसी भी सरकारी सेवक पर अगर आपराधिक मामला दर्ज है और जब चार्जशीट का स्टेज आता है तो अभियोजन स्वीकृति के पहले भी सरकार के पास जाता है। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सीबीआई को भी लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए अगर गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत पड़ती है तो समन के अपीयरेंस के लिए क्यों नहीं गवर्नमेंट के पास जाएंगे हम लोग, क्यों नहीं समझे नहीं जाएंगे? संजय जी को बात पूरी आ रहा हूँ प्रतुल जी, संजय जी की बात खत्म हो जाने देता हूँ। संजय जी, किसी पेचीदे विषय को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय को, मान लीजिए एक बहुत साधारण गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो नहीं समझ पा रहा है, तो नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, आप लीगल एड प्रोवाइड करते हैं किसी भी आम आदमी को जी, जो लॉयर इंगेज नहीं कर पाता उसको भी करते हैं। अच्छा है ना, आप उसको एडवाइस कर दीजिए कि भाई ये विषय क्या है, कैसे आपको इस विषय में। लेकिन प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो गई थोड़ी संजय जी। अब मैं अतुल जी के पास आता हूं। प्रक्रिया इन्होंने इतनी जटिल बना दी कि आपको याद है ना, बच्चे बचपन में हम लोग देखते थे कि वो रास्ता खोजो इधर से इधर भूल का खेल बन जाए, भूल भुलैया। और देखिये मुख्यमंत्री ने सात सहम में आपने कहा कि सहम बढ़ता, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने गलत बयानी की। पहले उन्होंने कह दिया कि हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर हाईकोर्ट भेज दिया, हाईकोर्ट में इनका केस डिफेक्टेड केस के कैटेगरी में लिस्टेड था। इन्होंने कहा हाईकोर्ट में मैटर साफ पेंडिंग है, डिफेक्टेड केस इज नो केस, मुख्यमंत्री जी ने गलत बयान दिया। तो ये पुरानी बातों को अगर छोड़ दे, मैं अभिषेक जी, दस सेकंड क्योंकि समय कम है, आप पुरानी बातों को कर रहे हैं, छोड़ूंगा मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इनका कहना बिल्कुल सही है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए राज्य के अभियोजन को, राज्य सरकार को अभियोजन देना पड़ता है। इसीलिए जितने दागी अफसर थे, पूजा सिंघल हो, छवि हो, छवि रंजन हो, जिनके खिलाफ राज्य सरकार, ईडी ने, सीबीआई ने केसेस दर्ज करने की अनुशंसा कर रखी है, राज्य सरकार ने बिना कारण के साथ साथ रिमाइंडर के बाद भी ईडी के इन केसेस पे एफआईआर दर्ज करने पे अभियोजन स्वीकृति को रोक कर रखा है। यही सरकार की असली मंशा है कि हम अभियोजन स्वीकृति नहीं देंगे, पूरे मामले को पेचीदा बना देंगे। और कितने दिन तक भागिएगा साहब? प्रतुल जी, अगर सम्मन पर यह विधिक परामर्श की बात हो भी रही है, आपसे एक सवाल है, तो आखिर मामला पेचीदा कैसे होगा? ठीक है ईडी सम्मन करती है पूछताछ के लिए, लेकिन धाराओं के तहत ईडी को जो अधिकार प्राप्त है, ये तो सीधे सीधे अब गिरफ्तारी को हवा देने वाली बात हो जाएगी कि अब ईडी सम्मन से पहले गिरफ्तार कर लेगी, उसके बाद पूछताछ करेगी। देखिए ऐसा ना, यहाँ पर लॉ ऑफ द लैंड, अब मुझे बोलिए, लॉ ऑफ द लैंड, प्रतुल जी से जवाब ले लूं फिर आपके पास। लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम होता है, कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है वो सुप्रीम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या की 27 जुलाई 2022 को, ईडी को बिल्कुल शक्तियां हैं। जब सारे विपक्षी दल एक होकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गए थे कि वो सम्मन, सीज, अरेस्ट, डिटेन सब कुछ कर सकती है, और राज्य सरकार इसको इसलिए पेचीदा बना रही, साहब निगरानी कहां से आ गया यहां बीच में? लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन लेंगे, राज्य सरकार निर्णय लेगी, यानी आप पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिले करके इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक से भर कर चाहते हैं। तो मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन मैं संजय जी से यह जानना चाहता हूं कि ईडी के पास अगर पहले से ईडी की शक्तियों को चैलेंज किया जा चुका है हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बावजूद उसके, आ रहा हूं संजय जी आप ही से सवाल है, बावजूद इसके ईडी के पास आज भी संपत्ति को अटैच करने का अधिकार अक्षुण है, और ईडी के पास यह अधिकार है कि गिरफ्तारी कर सकती है ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य रहने पर। ईडी को तो सम्मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साहब, सम्मन तो पूछताछ के लिए किया जाता है, सम्मन तो कहीं ना कहीं से सुविधा प्रदान की जाती है कि आप भी अपना पक्ष रखें। बिल्कुल, अगर आप प्रस्ताव को इस तरीके से पारित करके एक नया पेचीदा कर देंगे उसको, तब तो अब सीधे कार्रवाई होने लगेगी। तो जनता क्या देखना चाहती है? जनता कार्रवाई देखना चाहती है, जनता को सरकार कार्रवाई दिखाना चाहती है। हम यहाँ पर बस फिर से एक बार हमली सबमिट करेंगे जी कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट आदेश आया है जी कि अगर ईडी के समन पर केवल ईडी ने, सीबीआई, आईटी, सारे ईडी के संदर्भ में बात हो रहा है, जस्ट
ट्राइंग टू डिस्कस ईडी बिकॉज ये बहुत प्रासंगिक हो गया। हम लोग डिस्कशन ईडी पे हो रहा था, देयरफॉर आई मेंशन ईडी, क्योंकि ईडी का प्रभाव अभी झारखंड में ज्यादा दिख रहा है ईडी पर बात। हालांकि हम इनकम टैक्स उधर किनार नहीं कर सकते। लेट मी कंप्लीट, सिंपल बात प्लीज कंप्लीट। तो हाईकोर्ट का ये आदेश आया है जी कि इफ ए समन इज सर्व्ड एंड इफ द पर्सन डज नॉट अपीयर जी ही कैन नॉट बी अरेस्टेड मेरली ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज रिफ्यूज्ड टू अपीयर आफ्टर द समन हैज बीन सर्व्ड फुल स्टॉप। सेकेंडली कि एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग ईडी हैज टू रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजंस फॉर establishing conclusively on the basis of the prima facie evidence why the arrest is being made. So the element of discretion which was there कि आप discriminate basically आप discretion को exercise कर रहे थे और आप आ रहा हूँ पता नहीं आप जो उसका जो एक होता है ना जो आपको बोलते हैं हम लोग FIR बोलते हैं तो आप एक lawyer को एक copy देते हैं और उस copy पर lawyer क्या करता है वो फिर legal remedies seek करता है। तो ईडी जो है अपने अरेस्ट करने के ड्यू प्रोसेस में रिकॉर्ड नहीं कर रहा था रीजंस को। तो हाईकोर्ट ने दो बातें कही, पहली कही इंपॉर्टेंट बात कि मेयर नन अपीयरेंस आफ्टर समन इज बीन इश्यूड कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर अरेस्ट, एंड सेकेंडली कि अगर आप अरेस्ट करें तो प्लीज रिकॉर्ड द रीजंस फॉर अरेस्टिंग द अक्यूज्ड और द विटनेस जो भी आपका है। जी प्रतुल जी क्या बोलना चाहते हैं? जुडिशियरी की हायरार्की देखिए, लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश जो होता है वो तब तक लागू होता है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं होता। 22 जुलाई 2022 को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को सारी शक्ति आदेश डिटेन और सीज करने की, और उन्होंने ये भी कहा कि ईडी ईसीआईआर देने के लिए बाध्य नहीं है एफआईआर की तरह। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आया। अब हाईकोर्ट ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है। बिल्कुल, अभी सुप्रीम कोर्ट का वो सर्वोच्च ऑर्डर है, वो सुप्रीम ऑर्डर है साहब। दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस में जो ऑर्डर आया वो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को ओवररूल नहीं कर सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको ओवर रिव्यू नहीं करे। लेकिन मुख्यमंत्री ने 7 बार समन को डिफाई किया साहब, और अब उनके पसंदीदा अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। सारा षड्यंत्र इसीलिए रचा जा रहा है कि ये जो पूरे जो पाप का खेल चल रहा था, भ्रष्टाचार का खेल में लिप्त अधिकारियों को बचाया जा सके। लेकिन अभिषेक जी, कोई बचने वाला नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, वक्त की कमी है, संजय जी से आखिरी सवाल पूछता हूं। संजय जी, पिछले 1.5 साल से कार्रवाइयों का सिलसिला चल रहा है। मुख्यमंत्री को पहला समन 1.5 साल पहले हुआ था, लगातार समन चल रहे हैं। अब जब अभिषेक प्रसाद पिंटू के यहां छापामारी हुई है और उसके बाद समन हुआ है, 16 तारीख को उनको हाजिर होना है, पेशी होनी है, 11 तारीख को साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को हाजिर होना है और 15 तारीख को आर्किटेक्ट विनोद सिंह को हाजिर होना है, इसके ठीक पहले कैबिनेट से इस प्रस्ताव के पारित होने को राजनीतिक एंगल रूप से कैसे देखते हैं? मैं राजनीतिक पूछ रहा हूं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना बहुत कन्वीनियंट होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो होते हैं वो सतत होते हैं जी। ये आदेश तब तक रहेगा जब तक कि कोई सरकार इस आदेश को या तो रिव्यू नहीं करे, मॉडिफाई नहीं करे, या कोर्ट स्ट्राइक डाउन आ रहा है, कोर्ट अलग है। तो हम ये मानते हैं कि आप टाइमिंग के दृष्टिकोण से देखें तो एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। ये तो पॉलिटिकल से पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऐसा हो गया है, इतना ज्यादा हम लोग डिवाइडेड हो गए हैं कि हर लॉ को, हर इंस्टीट्यूशन को, सेंटर स्टेट को भी, ईडी को भी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को भी हम लोग आपस में कन्फ्रंटेशन के मोड में देख रहे हैं। हम समझते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया कन्फ्रंटेशन में नहीं रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात कही थी, संजय जी समय बहुत कमी है, जल्दी बात खत्म। उन्होंने कहा था कि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो ये फेडरलिज्म कोऑपरेटिव तभी होगा जब एक समन्वय बनेगा और एक डिस्ट्रस्ट और एनिमोसिटी का एनवायरमेंट जो है वो कम होगा। तो आप इस प्रस्ताव पारित होने को समन्वय की नजर से देखते हैं? ठीक है, प्रतुल सादर से पूछता हूं। प्रतुल जी आखिरी सवाल, आज जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, क्या आपको वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को
चुनौतियों देने वाला नजर आता है। बिल्कुल गैर कानूनी आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश आ गया कि ईडी को सारी शक्तियां हैं सीज करने की, अरेस्ट करने की, डिटेन करने की और ईसीआईआर की बताने की नहीं, तो उसके बाद ये राज्य सरकार का जो आदेश है ये सीधे कन्फ्रंटेशन करता दिख रहा है सर्वोच्च न्यायालय में। ये टिकने वाला नहीं, ये गैर कानूनी रूप से, ये गैर कानूनी कार्यों में लिप्त अफसरों को बचाने के लिए है। और संजय जी ने बिल्कुल सही कहा, हम डिवाइडेड है साहब, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले गठबंधन के साथ है और ये तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों का गठबंधन, घमंडिया गठबंधन के साथ है, तो फर्क तो साफ है। और हमारा मानना है कि आज जो कुछ भी कैबिनेट ने किया उसे एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाएगा। जब राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अब सर्वोच्च न्यायालय से नहीं टकरा सकते जी। चलिए, प्रस्तुत यादव ने अपनी बात पूरी कर ली, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय से नहीं टकरा सकते। वहीं कांग्रेस कह रहा है कि एक समन्वय बनाने का प्रयास है, एक परंपरा चली आ रही है कि किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मी को कहीं भी पेश होने से पूर्व अपने अपने जो अधिकारी होते हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब ये परंपरा चली आ रही थी तो इसको प्रस्ताव में लाकर कैबिनेट से पारित कराने के पीछे क्या कारण रहे, क्या मंशा रही, इसका फैसला तो आने वाले समय में होगा। वहीं भाजपा का यह भी आरोप है कि आज जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौतियां देने वाला प्रस्ताव है। कहीं ना कहीं ईडी की शक्तियों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आ चुका है, उसके बाद उसकी शक्तियों को बांधने का प्रयास बिल्कुल गैर कानूनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 11 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी ये तीन महत्वपूर्ण डेट है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, क्योंकि ये तीन संबंध वैसे लोगों को किए गए जब मुख्यमंत्री के साथ संबंध की तिथि पार हो चुकी थी। 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संबंध की सातवें संबंध की आखिरी तारीख थी और पार होने के साथ ही, तिथि गुजरने के साथ ही छापामारी अभियान बहुत जोर शोर से चला था, जेल के भीतर भी छापामारी अभियान चलाया गया था। देखना दिलचस्प होगा कि संबंध पर एक बार फिर सियासत होती है, संयम रहता है या ईडी की शक्तियों को बांधने का प्रयास किया जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।